हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर कर रहे हैं फतेहपुर सिकरी एंड बेबी ताज। मेरे बाकी के सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो डू चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज पार्ट 7 ऑफ आवर ट्रिप एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फतेहपुर सिकरी को बादशाह अकबर ने 1571 टू 1585 के बीच में बनवाया था। सिकरी एक गांव का नाम था जहां पे सूफी सेंट सलीम चिश्ती रहा करते थे। उनकी दुआ से अकबर और जोधा को एक संतान हुई जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा और बाद में बदल के जहांगीर रखा। अकबर चाहते थे कि जहांगीर की परवरिश सलीम चिश्ती के सानिध्य में हो, इसीलिए फतेहपुर सिकरी को कैपिटल बनाया गया। लेकिन इसे घोस्ट सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है, ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ अंत तक। फतेहपुर के अंदर ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं साथ में। सबसे पहले चलते हैं दीवाने खास की तरफ। बादशाह अकबर दीने इलाही में मानते थे एंड दिस पिलर सिंबलाइजेस दीने इलाही। ऑन दिस पिलर वी कैन ऑब्जर्व हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। यहाँ पे सेंटर में बादशाह अकबर बैठते थे और साइड में उनके 9 रतन बैठ के इम्पोर्टेंट राज्य के टॉपिक्स डिस्कस करते थे। बाहर से अगर इसे देखें तो ये आपको 2-स्टोरी बिल्डिंग दिखेगी। पहले यहाँ पे ऊपर एंट्री अलाउड थी, लेकिन क्योंकि टूरिस्ट ढेर सारे हो गए हैं अब एंट्री बंद कर दी गई है। अब हम चलते हैं दीवाने आम एंड 25 कोर्ट के तरफ। दीवाने खास के पास ही दीवाने आम है। यहाँ पे आम जनता बैठ के अपने प्रॉब्लम्स बताती थी बादशाह को एंड दीवाने खास के सामने आप देख सकते हैं ये है 25 कोर्ट। यहाँ पे मोहरों के जगह दासियाँ नृत्य करते हुए चाल चलती थी। अब हम जा रहे हैं चार चमन की तरफ। यहाँ पे बाजू में पानी है और सेंटर में तानसेन बैठा करते थे जो 9 रत्नों में से एक थे। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि जब वो दीपक राग गाते थे तब सारे दीप जलते थे और मेघ राग गाने पर बारिश होने लगती थी। पानी का मेन पर्पस ये था कि उनकी आवाज़ को एको मिले। ये है दफ्तर खाना। यहाँ पे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल सारा फाइनेंस हैंडल करते थे। अकबर की मुस्लिम बीवी रुकैया बेगम टर्की से बिलोंग करती थी। इनके लिए अकबर ने एक बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया था जिनमें उन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑर्नामेंटल फ्लोरल एंड मिरर वर्क साथ में गोल्ड एंड डायमंड वर्क भी करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ग्रेप वाइन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बर्ड्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत डायमंड एंड गोल्ड वर्क था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल के चली गई। अब हम जा रहे हैं पंचमहल की तरफ। पंचमहल एक 5-लेवल पैलेस है। यहाँ पे टोटल आपको 176 कॉलम्स देखने मिलेगी जिनके बीच पे ओरिजिनली जालीस हुआ करती थी जिनके पीछे क्वींस बैठती थी। सामने की तरफ गार्डन था जहाँ पे चमेली और मोगरा के फूल हुआ करते थे ताकि रानियां महकती हवाओं का लुफ्त ले सके। इस एंगल से आप पंचमहल का बैक साइड देख सकते हैं और ये है मदरसा उस जमाने का। अब हम जा रहे हैं ट्रेजर हॉल्स की तरफ। यहाँ पे टोटल 3 रूम्स है और इसके अंदर आपको इस तरीके से बॉक्सेस मिलेंगे जिसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स रखा करते थे। साथ में राजा और रानी यहाँ पे लुका छुपी भी खेलते थे। अब हम जा रहे हैं डाइनिंग रूम एंड बेडरूम के तरफ। तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा पॉट है इसके अंदर गुलाब जल रखा जाता था नहाने के लिए। ये है डाइनिंग रूम जहाँ पे अकबर और उनके बेगम साथ में खाना खाते थे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा जगह है ये। अब हम चलते हैं अकबर के बेडरूम के तरफ। यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। जब अकबर ऊपर चढ़ जाते थे तो उसे हटा दिया जाता था ताकि कोई उन पर अटैक ना कर सके और नीचे गुलाब जल और इत्र भर दिया जाता था। और यहाँ पे ये जो कॉरिडोर्स हैं यहाँ से रानियाँ एंटर होती थी। अब हम चलते हैं अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई के पैलेस की तरफ। अकबर ने जोधाबाई के लिए समर एंड विंटर पैलेस बनवाया था। समर पैलेस में जालियाँ थी ताकि वेंटिलेशन हो और विंटर पैलेस में रूफ पर ऐसा मटेरियल लगाया था ताकि अंदर का टेम्परेचर गर्म रहे। जोधा ने अकबर के साथ शादी करने से पहले एक शर्त रखी थी कि वो अपना मजहब नहीं बदलेगी और अपना खाना खुद बनाएगी। इसलिए जोधा के लिए एक किचन बनवाया गया जहाँ पर वो अपना शाकाहारी खाना बनाती थी। इस किचन पर आपको झुमकास एंड फ्लोरल डिजाइन राजस्थान के देखने मिलेंगे।
अब हम जा रहे हैं मरियम्स हाउस की तरफ। ऐसा माना जाता है कि अकबर की एक क्रिश्चियन बीवी भी थी। यहाँ पे आपको कार्विंग्स की जगह ज्यादा पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जहाँ पे सीलिंग पर ज्योमेट्रिकल डिजाइंस है, साथ में हाथी, गीज वगैरह की पेंटिंग्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। बादशाह अकबर की बात हो और बिरबल का उल्लेख ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है बिरबल पैलेस। बिरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक एंड सबसे चहीते रत्न थे। इसके इंटीरियर में आपको हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखेगा। अब हम जा रहे हैं अस्तबल की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो रेक्टेंगल्स है उसके अंदर खाना रखा जाता था और छोटे गोल जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था। फतेहपुर सिकरी में हमेशा से पानी की बहुत तकलीफ हुआ करती थी, जिसके वजह से अकबर को अपना कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा लाहौर में, यहाँ पे 12 साल रहने के बाद। इसके लिए फतेहपुर सिकरी को गोस्ट सिटी भी कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं सलीम चिश्ती की दरगाह की तरफ। ये है एंट्रेंस गेट। अंदर शूज अलाउड नहीं है, बाहर आपको कलेक्ट करवाने होंगे और फिर ही आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पे जितना भी आपको रेड सैंडस्टोन के कंस्ट्रक्शंस दिखेंगे वो अकबर के ज़माने में अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, एंड अंदर जो आपको मार्बल कंस्ट्रक्शंस दिखेंगे वो जहांगीर ने करवाया था। जब उन्हें पता चला कि सलीम चिश्ती की दुआओं से उनका जन्म हुआ, उन्होंने एक मकबरा कंस्ट्रक्ट करवाया। आज भी सलीम चिश्ती की पीढ़ियों में से किसी का देहांत होने पर उनकी कब्र यहाँ बनती है। यहाँ पे वजू करने के लिए भी फैसिलिटी है। ये है सलीम चिश्ती का मकबरा। यहाँ पे ढेर सारे लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं। इसके अंदर आपको इंटीरियर में जाली वर्क देखने को मिलेगा। अब हम चल रहे हैं जमा मस्जिद और फतेहपुर सिकरी की तरफ। यहाँ पे आज भी नमाज अदा की जाती है। ये जो छोटी छोटी छतरियाँ देख रहे हो, इसे मशाल से सजाया जाता है जब सलीम चिश्ती जी का जन्मदिन होता है। ये है बुलंद दरवाज़ा जो डिनोट करता है अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी है। इट इज़ 54 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड वॉज बिल्ट इन 1575। फतेहपुर सिकरी कवर करने के बाद हम निकल पड़े आगरा की तरफ और चले गए देखने इमादुद्दौला टॉम्ब, ऑल्सो नोन एज बेबी ताज। शाहजहां ने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए इसी से इंस्पिरेशन ली थी, इसके लिए इसे हम बेबी ताज के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने पिताजी मिर्जा ग्यास बेग एंड उनकी पत्नी असमत बेगम के लिए इन 1622-28। यहाँ पे चारों ओर रेड सैंडस्टोन से दरवाजे बनाए हैं, जिस पर वाइट मार्बल की मदद से बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइंस आपको देखने को मिलेगी। इमादुद्दौला टॉम्ब इज बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड ये पूरा मार्बल का वर्क है। इमादुद्दौला टॉम्ब पर सेमी प्रेशियस रेड, ब्लू, येलो एंड अदर कलर्स के स्टोन्स का इस्तेमाल किया है एंड वेरी ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइंस, फ्लावर वास, पॉट्स एंड दूसरे सारे स्ट्रक्चर्स, ट्रीज एंड एवरीथिंग। फ्लोर को भी बहुत ही अच्छे खूबसूरत टाइल्स से डेकोरेट किया है और यहाँ पे उनके माता पिता के अलावा दूसरे भी फैमिली मेम्बर्स की कुछ कब्रें हैं। सीलिंग पर भी आप बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग वर्क देख सकते हैं। नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया गया था एंड आपको पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। इमादुद्दौला टॉम्ब के पास फाउंटेन्स भी बनाए गए थे और साथ में इसे चारों तरफ से चार इस तरीके से गेट्स कवर करते हैं, जिसमें से स्पेशली ये वाले गेट के पास से आप देख सकते हैं यमुना का तट। इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा उठाइए और इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी के सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो डू चेक देम आउट। तब तक के लिए मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।